हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज यहाँ पे मैं मॉर्निंग व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मेरी चाय वगैरह हो चुकी है, तो बस मैं यहाँ पे सब्जी काट रही हूँ। और मैंने यहाँ पे ली है थोड़ा सा दाल, जितनी हमारे घर में लगती है, आधी कटोरी के करीब। और मैं इसे वॉश कर ली हूँ अच्छे से। वॉश करने के बाद मैं इसमें हल्दी नमक डाल के इसे चढ़ा दूँगी गैस पर। और मेरी सब्ज़ी कट चुकी है और सब्ज़ी में बना रही हूँ आज मैं आलू प्याज और आलू मटर प्याज की सब्ज़ी, मतलब आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी। प्याज को छौंकने के लिए है। और यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है मैंने। तेल डालने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला है और एक तेज़पत्ता डाला है। और यहाँ पर मैंने तीन हरी मिर्च काट के रखी थी तो वो डाल दी हूँ। और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। और फिर इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब थोड़ी देर हम प्याज को भी सौते कर लेंगे। और प्याज हमारी भुन चुकी है तो मैं इसमें मटर डाल दी हूँ। मटर को भी भून लेंगे थोड़ी देर तक। मटर को हम कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो जल्दी भुन जाएगी। और अब हम चेक करेंगे तो हमारे मटर भुन चुके हैं। तो अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी और हल्दी डालने के बाद मैंने जो कटोरे में आलू काट के रखे हैं वो डाल दूंगी। मैंने आलू को पानी के अंदर ही रखा है काट के, तो बस मैं यहाँ पे आलू डाल दी हूँ कढ़ाई में और इसे भी थोड़ी चला के। और हम इसमें नमक डाल देंगे और कवर करके रख देंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पे दो बरी भून ली है तो उसे डाल दी हूँ, क्योंकि इस समय ठंड और बरी सब्जी और दाल में अच्छी लगती है। तो बस मैंने यहाँ पे नमक भी डाल दिया है और इसे कवर करके रख दिया है। कुछ टाइम बाद हम इसे चेक करेंगे तो देखेंगे तो हमारे आलू भून चुके हैं, पक चुके हैं। और अब मैं वहाँ पे टमाटर पीस ली हूँ, तीन टमाटर पीसा है मैंने। तो अब मैं टमाटर को इसके ऊपर डाल दूँगी। अब थोड़ी देर तक हम टमाटर को भी पकने देंगे। टमाटर में हम धनिया डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे धनिया डाल दी है और अब हम इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे जब तक हमारा टमाटर पकेगा। और मैंने यहाँ पे दाल खाली कर ली है और दाल हमारी पक चुकी है अच्छे से, तो हम यहाँ पे दाल खाली कर लेते हैं। और दाल खाली करने के बाद हम दाल में थोड़ा सा तड़का लगा लेंगे। तो मैंने एक तड़का पैन लिया है और इसमें मैंने घी डाल दिया है। इस समय ठंड है तो घी जम जाता है, तो यहाँ मैंने घी डाल दिया है। और मैं इसमें थोड़ा सा जीरा, घी के मेल्ट होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग और दो खड़े लाल मिर्च डाल दूँगी। और दाल में तड़का लग गया। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में लिया है दो कटोरी के करीब चावल। अब इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और मैंने इसे दो से तीन बार अच्छे से वॉश कर लिया है तो अब बस मैं यहाँ पे इसे डाल दूंगी कुकर के अंदर। और थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जितना मेरे चावलों में लगता है। चावल में पानी डालने के बाद अब हम कुकर को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे। तो बस यहाँ पे अब मैं अपनी सब्जी चेक कर लूँगी चावल चढ़ाने के बाद। तो मैंने सब्जी पे ध्यान ही नहीं दिया है और सब्जी हमारी थोड़ा सा ओवर कुक हो गई है, बट कोई बात नहीं, मुझे इसमें पानी डालना है तो अब मैं इसमें पानी डाल ले रही हूँ।
मैंने सब्जी में 1.5 गिलास के करीब पानी डाला है और अब हम इसे थोड़ी देर पकने देंगे। जब तक सब्जी पक रही है तब तक मैं यहाँ पे आटा गूंथ ले रही हूँ। और आटा हमारा गूंथ चुका है तो बस हम इसे किसी अलग बर्तन में कर लेंगे। और अब मैं सारे बर्तनों को वॉश कर लूँगी क्योंकि आज सुबह से चाय तक के बर्तन रखे हैं, तो बस मैं यहाँ पे बर्तन धो ले रही हूँ। आज सुबह से ही मेरे को बर्तन धोने का टाइम ही नहीं मिला है। ठंड है तो थोड़ा लेट हो ही जाता है, कुछ भी करो 10:30 बज जाते हैं किचन में आते, तो सारे काम लेट लपाट चलते हैं इस समय। तो बस यहाँ पे चाय तक के बर्तन रखे हुए हैं, चाय के और प्लस खाने के जो मैंने अभी बनाए हैं, तो पूरे बर्तन बहुत सारे बर्तन हो गए हैं जबकि मेरे बर्तन इतने बहुत कम होते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बर्तन धोती रहती हूँ, मैं इतने बर्तन नहीं होते हैं मेरे, पर ठीक है कभी कभी हो भी जाते हैं। तो बस यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और गुन्नू भी आ गया है, अभी तक खेल रहा था बाहर अपने। बर्तन धोने के लिए मैं आ गई हूँ रूम में और यहाँ पे मैं ब्लैंकेट फोल्ड करूँगी, और ब्लैंकेट फोल्ड करने के बाद मैं बेड शीट भी आज मुझे चेंज करनी है। तो धूप भी निकल रही है तो ठीक है, टाइम कल तो मैंने धोई थी और आज फिर मैं एक बेड शीट डाल दूँगी तो वो भी धुल जाएगी, वरना फिर इकट्ठा बहुत सारा हो जाता है कपड़ा धोने को, इसलिए यहाँ पर बेड शीट निकाल दे रही हूँ मैं और दूसरी बेड शीट डाल दूँगी और इसे आज मैं वॉश कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा रूम सेट हो गया है, बिस्तर वगैरह सही हो गए हैं
और अब मैं आ गई हूँ किचन पे रोटी बनाने, क्योंकि सवा 12 बज रहे थे, पापा आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। और टाइमिंग रोज़ यही है, दोपहर में हमारे यहाँ 12:15 12:30 बज जाते हैं, क्योंकि जब पापा आते हैं रोटी तभी बनती है। बाकी पूरा खाना तो बना लेते हैं, लेकिन रोटी बनाने का टाइमिंग यही रहता है। और इस टाइम मैं सबके लिए रोटी बना लेती हूँ, हालांकि खाने का टाइमिंग सबका अलग अलग है, बट बना के रख लेती हूँ। और रोटी बनाने के बाद मैंने यहाँ पे थाली लगा दी है, तो ये रही थाली, दाल चावल सब्जी रोटी और मूली, और ये गुन्नू की थाली लगा ली हूँ मैं। पहले दाल रोटी खाएंगे अपन, और फिर क्या खाओगे आप? हाँ, पहले दाल रोटी खाओगे और फिर तेल ही खाओ। और रोटी कब खाएंगे? ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुन्नू से हेलो, से हेलो बोल दो हाय। नहीं बोलोगे? वो अपने गोरिल्ला के साथ खेल रहा है। हेलो बोल दो, ऐसे बोलो हेलो। तो आज मैंने अपना मॉर्निंग लंच रूटीन शेयर किया था, क्योंकि मेरे सारे काम इज ऑल डन, क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं ढाई क्या बोल रही हूँ दोपहर के बज रहे हैं ढाई, तो सारे काम से मैं फ्री हो चुकी हूँ, क्योंकि दोपहर में 2:30 बजे तक ही मेरे काम रहते हैं, और इसके बाद मेरे काम 6:30 6 बजे से स्टार्ट होते हैं। मतलब 5:30 बजे मैं उठती हूँ, तो फिर वही शाम की चाय वगैरह होती है, और उसके बाद ही काम स्टार्ट होते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।